स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिए थे और अब इस वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला जा रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, यानी कि अब हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x का। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे उसमें हमें जो है वैल्यू गिवन थी, ठीक है ना। अब इसमें हमें वैल्यू गिवन नहीं है, दोनों साइड हमारे पास कॉस है, तो इसको हम कैसे करेंगे इसको मैं बताता हूँ आपको। तो इसका सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, तो सबसे पहले मैंने आपको जो है इसमें तीन मैंने आपको बताई थी थ्योरम, ठीक है ना। कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस वाई या थीटा, ठीक है ना। तो इसको हम यूज़ करेंगे, तो हम लिखेंगे वी नो डैट फॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई या कॉस थीटा, जो भी कहें हम कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा लिख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो एक्स इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस थीटा और n इज एन इंटीजर, यानी कि n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये हमारे पास है, ठीक है ना। तो इसको हम लगाएंगे तो क्या होगा, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। तो 4x कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस 2x, ठीक है। तो हमारे पास ये अभी इस फॉर्म में आ गया और n इज बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार हम प्लस से इसकी वैल्यू को इक्वेट कर लेंगे और एक बार माइनस से कर देंगे, तो उससे हम जो है एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो लिखेंगे हम टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो पहले हम पॉजिटिव साइन से कर लेते हैं इसे इक्वेट, फिर उसके बाद हम नेगेटिव साइन से इक्वेट कर लेते हैं। तो पॉजिटिव साइन से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 2n π प्लस 2x, ठीक है। अच्छा, 4x और ये 2x को हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2x इज इक्वल टू 2n π, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 4x में से 2x गया तो ये हमारे पास बचा 2x, 2x इज इक्वल टू 2n π और x इज इक्वल टू 2n π अपॉन 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू n π, ठीक है। तो और n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो एक वैल्यू तो हमारे पास ही आ गई, एक जनरल सॉल्यूशन हमारे पास ही आ गया इसका इक्वेशन का, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में हम क्या नेगेटिव साइन को ले लेते हैं और नेगेटिव साइन से इसको इक्वेट कर देते हैं, तो हम लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन ठीक है। अच्छा, अब हम नेगेटिव साइन लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 2n π माइनस 2x,
नेक्स्ट स्टेप में हमारा 4x और 2x को इधर लाएंगे, प्लस 2x इज इक्वल टू 2nπ, और 4x और 2x ये हो जाएंगे 6x इज इक्वल टू 2nπ, और x इज इक्वल टू 2nπ बाई 6, और यहाँ हम लिख देंगे n बिलोंग्स टू इंटीजर, और 2 1 2 2 3 6, तो ये हमारा आ जाएगा n x इज इक्वल टू nπ बाई 3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसकी सेकंड वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को करने का ये वाला तरीका था जो मैंने आपको बताया, और बहुत इजी वे में मैंने इसको करा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा तरीका, क्योंकि इसमें हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ एक थ्योरम लगा के इसको हमने इक्वेट कर दिया, एक बार पहले प्लस से कर दिया और एक बार माइनस से कर दिया। बस इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों साइड जो है एक ही टर्म होनी चाहिए, इधर भी कॉस है और इधर भी कॉस है, तो तब हम ये इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस ढंग से फिर हमने इसको करा सॉल्यूशन इसका। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई आपको डाउट है या कोई आप कहीं डिफ़िकल्टी आ रही है आपको, तो आप उसे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उससे क्या होगा कि मैं आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो आपको बता सकता हूँ आपका जो भी डिफ़िकल्टी है उसे दूर कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, और आप मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है उसे शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना, शेयर करें और उसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर सब्सक्राइब करा होगा तो मेरी जितनी भी वीडियोस आने वाली वीडियोस हैं जो मैं अपलोड करूँगा उसके नोटिफिकेशन आपको उसी समय मिल जाएंगे, तो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो जैसे ही मैं डालूँगा उसी समय आपको पता लग जाएगा कि मैंने कोई वीडियो डाली है, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए ओके, बाय, थैंक्स।